प्यारे विद्यार्थियों, आज हम ई फाइलिंग ऑफ सर्विस टैक्स रिटर्न सीखेंगे। ई फाइलिंग ऑफ सर्विस टैक्स रिटर्न का सिंपल भाव ये है कि आज कल के टाइम में आपको एक्साइज डिपार्टमेंट जाने की कोई आवश्यकता नहीं, आप अपने घर बैठे ही इंटरनेट के माध्यम से अपनी टोटल सर्विस टैक्स की रिटर्न भर सकते हो ऑनलाइन की सहायता से, तथा इसके माध्यम से ही आप अपने ई पेमेंट ऑफ सर्विस टैक्स कर सकते हो। इस ट्यूटोरियल के दो उद्देश्य हैं। पहला ये कि आप ई फाइल ऑफ सर्विस टैक्स रिटर्न भर सकोगे इसके माध्यम से। दूसरा, आप इस ट्यूटोरियल को सीखने के बाद ई पेमेंट ऑफ सर्विस टैक्स भी कर सकोगे। हम जानते हैं कि 123 सर्विस हैं, तथा इन सर्विस की यदि आप फीस प्राप्त करते हो इनमें से किसी भी सर्विस के लिए, तो आपकी यह जिम्मेवारी है कि जो भी आप सर्विस टैक्स प्राप्त करते हो उसको गवर्नमेंट अकाउंट में जमा करो। तो उसके लिए आपको ई फाइलिंग ऑफ सर्विस टैक्स रिटर्न भरनी पड़ती है। इसका जो पहला स्टेप है, आपको आपका यूज़र नेम रजिस्ट्रेशन कराना होगा ऑटोमेशन सेंटर ऑफ सेंटर एक्साइज एंड सर्विस टैक्स की वेबसाइट पे। सबसे पहले आप गूगल के ऊपर सर्च कीजिए ऑटोमेशन ऑफ सर्विस टैक्स। इसके बाद आपको जो फर्स्ट रिजल्ट आएगा, वेलकम टू ACES होम पेज, इसके ऊपर आप चले जाइए। इसमें एक बटन है सर्विस टैक्स, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। सबसे पहले आप एक नए यूज़र हो, इसके लिए आपको रजिस्टर कराना होगा विद ACES, इसको क्लिक कीजिए। इसमें आपने अपना यूज़र नेम, मान लो कि राकेश के 456 लिख दो। आपका जो ईमेल आईडी है, मान लो कि rakesh@gmail.com, ये लिख दो। अब आप कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो वो सर्विस आपने यहाँ लिखनी है। मान लो कि आप अकाउंटेंट हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट आपने लिखा KN चार्टर्ड अकाउंटेंट। डेस्टिनेशन क्या है, आप फाउंडर हो इस के, और आपका नाम है राकेश कुमार। यहाँ आप अपना फ़ोन नंबर लिख दीजिए और इसको सबमिट कर दीजिए। अब आप अपनी ईमेल चेक कीजिए, आपको एक ईमेल आएगी जिसमें आपका यूज़र आईडी होगा और पासवर्ड होगा, तथा इसी यूज़र आईडी तथा पासवर्ड से आपने लॉगिन करना है ऑटोमेशन ऑफ सेंटर एक्साइज एंड सर्विस टैक्स की वेबसाइट को। जैसे ही मैं होम पेज पे आऊँगा, दोबारा सर्विस टैक्स के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ मैं अपना यूज़र नेम राकेश के 456 लगाकर जो मेरा पासवर्ड है इसमें डाल दूँगा। जैसे ही आप लॉगिन करोगे, आपको फॉर्म मिल जाएंगे ST1, इसको आपने फिल करना है। आपने अपना नाम, आपने अपना एड्रेस, आपने अपना पैन कार्ड यदि अलॉटेड है तो वो नंबर,
या इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हो। आपने नेचर ऑफ रजिस्ट्रेशन बतानी है। इसके अलावा आप कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो वो शो करना है। इस बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। 123 सर्विस हैं। मान लो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का CH बीस नंबर को आपने क्लिक कर देना है। ऐसे कोई भी सर्विस दे रही हो 123 सर्विस में उसको आपने सबमिट कर देना है। उसके बाद आपको जैसे ही आप पूरी तरह इसको अच्छी तरह से भरकर सबमिट कर दोगे, आपको सर्विस टैक्स के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर या कोड नंबर प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद ई पेमेंट के लिए आप ई पेमेंट के ऊपर क्लिक कीजिए, फिर यहाँ क्लिक कीजिए और उसके बाद जो आपने असेसी कोड या रजिस्ट्रेशन सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर 15 डिजिट का प्राप्त किया है उसको यहाँ फिल करके आपका जो भी बैंक है उस बैंक का नेम आपने शो कर देना है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पेमेंट करनी है तो उसका डिपार्टमेंट खुल जाएगा या उसका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खुल जाएगा तथा आपकी पेमेंट सर्विस टैक्स की हो जाएगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।